और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। दुनिया में खतरा बने हुए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दो केस भारत में मिलने के बाद देश एक तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना केस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। प्रदेश में 21 नए कोविड केस दर्ज किए गए और इसी तरह राज्य में कोविड एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 214 तक पहुंच चुकी है। कल ही जयपुर में अफ्रीका से करीब 7 दिन पहले जयपुर लौटे एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले थे। कोरोना पॉजिटिव परिवार में माता पिता, उनकी 8 साल और 15 साल की 2 बेटियां थी। पूरे देश की बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटे में 8,603 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 415 लोगों की मौत हो गई है।